हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले इंस्टेंट वाली फिश करी, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख ले तो पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते तो चलिए का चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो लाइक करो। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखो, मैंने भांगड़ा मच्छी ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया था, इसमें मैंने नमक डाल के रख दिया था। उसके बाद अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद अभी हम इसको तल लेंगे। इसके लिए मैंने तवे पर थोड़ा सा तेल डाले और उसके बाद मैंने फिश डाले और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको ज्यादा देर नहीं लगती है, सिर्फ 2 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाती है। और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। फिश नीचे से अच्छे से पक चुका है, अभी हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखो, मैंने उल्टा भी कर लिया और डिश में भी निकाल लिए हैं। अभी हम इसका मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने टमाटर डाले और उसके बाद मैंने प्याज डाले। प्याज डालने के बाद अभी हम इसमें कोकोनट डालेंगे ग्रेट किया हुआ, और उसके बाद मैंने अदरक डाले और हरी मिर्च डाली है और लहसुन डाले। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखो, मैंने पीस लिया है। अभी हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें मैंने जीरा डाला है, और आप इसमें तेजपत्ता भी डालना और खड़े मसाले भी डालना, मैं भूल गई थी। उसके बाद इसमें मैंने मसाला डाला है और हींग डाला है थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स होने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और मैंने भूल गई थी इस वजह से मैंने अभी डाला है तेजपत्ता और खड़े मसाले, और इसको अच्छे से मिक्स किया है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे 5-10 मिनट के लिए। और भूनने के बाद अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते समय इसको गर्म करना पानी को, और उसके बाद ही डालना। और उसके बाद इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और इसमें मैंने कोकम भी डाला है 2। और ये पानी को अच्छे से उबाल लेंगे, इसको 10 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। और उबालने के बाद अभी हम इसमें फिश डालेंगे। फिश डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे, और उसके बाद गैस बंद करेंगे। ये देखो, हमारी फिश करी रेडी है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको जरूर ट्राई करना। बाय बाय।